कृषि कानूनों के खिलाफ देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इन कानूनों को देश के किसानों की फसल का सही मूल्य दिलाने और अपनी उपज को कहीं भी बेचने की आज़ादी देने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के विचारक दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा सांसदों को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि आप सब ने दीनदयाल जी को पढ़ा भी है और उन्हीं के आदर्शों से अपने जीवन को गढ़ा भी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण 6,738 करोड़ रुपए से दिल्ली की बुनियादी सुविधाओं को विस्तार देगा। इसका बड़ा हिस्सा नरेला सबसिटी के विकास के साथ मेट्रो फेज 4 के नरेला बवाना रिठाला कॉरिडोर व शहरी विस्तार रोड 2 के निर्माण पर खर्च होगा। पुरानी दिल्ली के हौज खास इलाके में पार्किंग विवाद और पुरानी रंजिश में फूफा ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर भतीजे की हत्या कर दी। दक्षिणी जिले की हौज खास थाना पुलिस ने मात्र 30 रुपए लूटने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के साथ 2 साथी भी पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ जारी है। सकारात्मक वैश्विक संकेतों और सूचकांक में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले रिलायंस इंडस्ट्री में तेजी के चलते बीएससी सेंसेक्स में आज शुरुआती कारोबार के दौरान 100 अंक से अधिक की तेजी हुई। कार्तिक मास के समान ही पुण्य माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस बार कोरोना के चलते पहले जैसी छूटे तो नहीं, लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ फिर भी देखने को मिली। मालवी मल्होत्रा ने कंगना पर लगाया है वादा खिलाफी का आरोप, कहा कि मुश्किल समय में कंगना ने उनकी कोई मदद नहीं की। हरियाणा की मोनिका बनी मिस ग्रैंड इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने चेतेश्वर पुजारा को ईंट की दीवार करार देते हुए कहा है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली के पहले टेस्ट के बाद भारत लौटने पर उन्होंने पुजारा के विकेट को लक्ष्य बनाया था।